रेशियो चल रहा था बच्चों, 47 क्वेश्चन हो गया था, आज 48 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 48 पे। तो ये 48 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्लियर? चलो 48 क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप उस चीज़ को देखना। इन ए कॉलेज यूनियन देर आर 48 स्टूडेंट्स, इन ए कॉलेज यूनियन देर आर 48 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडिड इन द यूनियन सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज इन 6:5। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 48 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? कितना हो जाए? 6:5 हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, बॉयज है और रेशियो में बेटा गर्ल्स दे रखा है। इनका रेशियो कितना दे रखा है बेटे? 5:3 है। मैं इस क्वेश्चन को तीन टाइप से बताऊंगा, पहला, दूसरा टाइप ऐसा, तीसरा अपना टाइप बताऊंगा, ठीक है? 5:3 है। इसमें बोला कि इस यूनियन में कितनी लड़कियां जोड़ी जाए कि रेशियो कितना हो जाए? 6:5 हो जाए। 6:5 हो जाए। अब लड़कियां जोड़ रहे हैं तो लड़के तो बराबर रहेंगे, इधर देख लड़कियां जोड़ रहे हैं तो लड़के तो बराबर रहेंगे, लड़के यहाँ 5 है यहाँ 6 है, तो लड़कों को बराबर करने के लिए इसको 6 से गुणा, इसको 5 से गुणा, 30:30 बराबर हो जाएगा। जब 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ बॉयज और गर्ल्स की बात चल रही है बेटे, बॉयज कितना? 6:5 कितना हो जाएगा बच्चे? और गर्ल्स कितनी? 6:3। यहाँ भी बॉयज कितना? 5:6। और गर्ल्स कितनी? 5:5 25। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, आप सिंपल सी बात समझेंगे आप, इसने बोला है आगे कि कितनी लड़कियां जोड़ी जाए कि रेशियो इतना, बॉयज तो छेड़ नहीं रहे, बॉयज पहले कितने थे? 30। अभी भी बॉयज कितने? 30 है। और लड़कियां पहले कितनी थी? 18। कितनी थी पहले लड़कियां? 18। अब कितनी ऐड कर रहे हैं हमें नहीं पता, और रेशियो कितना और हमारा 6:5। ये पहला टाइप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 18 × 6 = 108 प्लस 6x = 150, 108 6x 150 में 108 गया कितना होगा? 42। तो बेटा x बराबर कितना आ गया? एक तो टाइप ये था बेटे, दिख रहा है? क्लियर? पहला टाइप तो ये था। दूसरा टाइप मैं आपको बताता हूँ, इसमें लड़के और लड़कियों की संख्या बनानी है। देखो सिंपल सी बात है, आप यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यह टाइप फर्स्ट था, बिना एक्स बिना वाई के मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपना टाइप बता रहा हूँ, उसी से करना आप। यहाँ पे देखो बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने? 30 लड़के 18 लड़कियाँ, टोटल कितने बेटा ये? 48। और क्वेश्चन में भी टोटल कितना दे रखा बच्चे? 48। 48 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू, लड़कियाँ पहले 18 थी अब 25, कितनी जोड़ी? 7। तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो कितनी लड़कियाँ ऐड की? 7 लड़कियाँ ऐड करती। क्लियर है? बिना एक्स के डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं हम 49 नंबर पे, मिटा दें। चलो ठीक है, फोर्टी नाइन नंबर देखो बच्चे। बेटा 49 क्या कह रहा है? अमंग 132 स्टूडेंट्स ऑफ ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2। हैड 4 मोर स्टूडेंट पास्ड देन द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स विल बी। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9:2 है।
नौ अनुपात दो है। यदि चारों छात्र सफल हो जाते, ठीक है, तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात कितना होता? देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अमंग 135 स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल स्टूडेंट इज 9:2। 132 परीक्षार्थी 132 स्टूडेंट्स है और इसने बोला है सफल और असफल, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। मैं यहाँ लिखता हूँ सक्सेसफुल रेशियो अनसक्सेसफुल बराबर टोटल स्टूडेंट्स। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो 9:2 और टोटल दे रखा 132। आप देखो 9 और 2 टोटल कितने होते हैं? इस 11 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी दे रखी है? 132। तो एक यूनिट के मतलब 12। 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 12 × 9 कितना होता है, और 12 से यहाँ गुणा करेंगे तो 12 × 2 कितना होता है? अनसक्सेसफुल 24 थे, सक्सेसफुल 108। अगर इसने बोला चार और छात्र सफल होते, चार और छात्र सक्सेस होते तो टोटल स्टूडेंट में तो कोई दिक्कत नहीं, 132। तो सफल कितने होते? 108 में चार जोड़ेंगे तो 112। अगर चार ज़्यादा सफल होते सक्सेस होते तो चार कम अनसक्सेस होते, तो रेशो काट दो चार से, 28:5 इस सवाल का उत्तर है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 28:5 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्यार प्यार से पढ़ते रहो बेटा, सारी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी और चीज़ों को शेयर करते तो अच्छा लगेगा आपको भी। 50 नंबर देखो बच्चे, बिल्कुल प्यार से। इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू सोल्जर वाज 3:31। बिफोर बैटल इन ए बैटल 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड एंड द रेशियो बिकम 1:13। द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर बैटल वाज, किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवानों का अनुपात 3:31 था। अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे जाते हैं तो यह अनुपात 1:13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:13, बिल्कुल ठीक है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी? वैसे इसने क्वेश्चन में अफसर पूछा है और ऑप्शन के अंदर जवानों का दे रखे ऑप्शन, तो मैं दोनों चीज़ निकाल के बता देता हूँ, देखो ध्यान से। युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का, ऑफिसर और सोल्जर्स, ऑफिसर्स रेशियो बेटा सोल्जर्स, ऑफिसर रेशियो सोल्जर्स, सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, कितना रेशियो था? 3:31। तो आप इसके साथ कुछ भी लिख लो, 3x 30x, रेशियो को बड़ा घटा सकते हैं। क्यों लिखा हमने? क्योंकि अगर सिंगल यहाँ बढ़ रहा होता खाली तो हम एक्स की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों जगह बढ़ रहे इसलिए लिख दिया। अगर इसने बोला युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, 6 अफसर मारे गए तो -6 और 22 जवान मारे गए तो -22। तो अगर इसमें से 3x में से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3x - 6। अनुपात में दोनों और ऑफिसर सोल्जर्स कितने आएंगे? 31x - 22। तो बेटा रेशियो हो रहा है 1:13, यानी 1/(1:13) का मतलब 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर 13 × 3 = 39x, 13 × 6 = 1 = 31 = 22। इसमें इधर लेंगे 39x में से 31x घटाएंगे तो कितना आएगा? 8x = 56। तो x बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 7 में, x बराबर कितना आ गया? 7। ऑफिसर पूछे तो 3 × 7 कितने थे ऑफिसर? अगर सोल्जर पूछे 31 × 7 कितने थे?
217 सोल्जर्स। कोई दिक्कत किसी को भी? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं फ्रेम से बाहर चला जाता हूँ। बिल्कुल क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया भी, बहुत प्यारे बच्चे भी आप सब। आगे देखते हैं, किसी भी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है? चलो 51 नंबर देखते हैं। फिफ्टी वन क्या कह रहा है बच्चे, देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द टर्म्स ऑफ रेशियो 11:15 सो एज टू मेक इट एज 2:3। 11:15 के अनुपात में की संख्याओं में से किस संख्या को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। 11:15 के अनुपात की संख्याओं में से किस अनुपात को घटाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। देखो, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है। 11:15 है, में से किस संख्या को घटाया जाए? इसमें से भी सेम संख्या, मान लो x घटाए इसमें से x, तो रेशियो कितना हो रहा है? 2:3 हो रहा है। एक तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, दूसरा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, 11:15 में कितना अंतर बेटे, और 2:3 में कितना अंतर? हमेशा अंतर बराबर करना है, हमेशा अंतर क्या करना है बराबर। तो ये 4 है तो क्यों ना मैं इसको 4 से गुणा कर दूँ, अंतर बराबर हो जाएगा। तो हम 4 से गुणा करेंगे, 4:2 जा और 4:3 जा, इसकी सेवा समाप्त हो गई। पहले ये चीज़ कितनी थी, अब कितनी है, कितनी घटी? चाहे आप यहाँ से निकाल लो, पहले ये कितनी थी 15, अब कितनी है बेटे, तो कितनी घट गई मेरे बच्चे? तो यही इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? कन्फर्म है? चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पढ़ते रहो, पूरा मैथ पढ़ाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्टी टू नंबर देखो बच्चे, बिल्कुल प्यार से पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आनी कहीं पे भी। व्हाट नंबर, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 2:5 सो दैट इट मे इक्वल टू 5:6। 2:5 के अनुपात में के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि परिणाम 5:6 हो जाए। जैसे कि मैंने अभी बताया, 2:5 के अनुपात में क्या जोड़े कि परिणाम में अनुपात कितना हो जाए 5:। देखो वही तरीका बेटे, यहाँ गैप कितना है, यहाँ गैप कितना है, बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा कर दूँ। अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, और ये कितना, 18। इसकी सेवा समाप्त हो गई। कोई संख्या 2 से 15 कितनी बढ़ गई बेटे, 13। यहाँ से निकालना तो यहाँ से तो भी आंसर अलग नहीं आएगा, 5 से 18 कितनी बढ़ गई। यही सवाल का उत्तर है। एक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जूस कैसे बेसिक विधि का बता दी अपने आपको। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ जाएं। चले बेटे, बहुत बढ़िया। 53 नंबर देखो बच्चे, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, सीजीएल के अंदर, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ, यही क्वेश्चन 53, मिस्टर गुप्ता एंड मिसिज गुप्ता इज 7:8 एंड द टोटल वेट इज 120 किलोग्राम। ठीक है, टोटल वेट कितनी है 120 किलोग्राम। आफ्टर टेकिंग द डाइटिंग कोर्स द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता इज रिड्यूस बाय 6 किलोग्राम एंड नाउ द न्यू रेशियो ऑफ देयर वेट बिकम 5:6 बाय व्हाट अमाउंट मिसिज गुप्ताज वेट गॉट रिड्यूस्ड। हिंदी में क्या कह रहा है, श्रीमान गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में है। श्रीमान गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के
अनुपात में, और उनका कुल वजन 120 किलोग्राम, कितना है 120 किलोग्राम। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमान गुप्ता का वज़न 6 किलोग्राम कम हो जाता है, कितना कम होता है 6 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक है, और उनके वज़न का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो बताओ श्रीमती गुप्ता का वज़न कितना किलोग्राम घटा। देखो बेटा एक तरीका बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन, बहुत सारे बच्चे एक्स बनाते वाई बनाते दिक्कत करते हैं। इसमें आप देखो श्रीमान गुप्ता और श्रीमती गुप्ता, देखो दो बंदे हैं, मिस्टर गुप्ता जी हैं और रेशियो दे रखा है मिसेज गुप्ता जी का, ठीक है। मिस्टर गुप्ता और मिसेज गुप्ता का वेट का रेशियो दे रखा है बेटा कितना, रेशियो 8, और टोटल कितना इनका वज़न 120 किलोग्राम। अगर हमें इन दोनों को टोटल इधर जान दो 7 और 8, टोटल देखो बेटा कितना यूनिट होगा, और इस 15 यूनिट की वैल्यू कितने किलोग्राम है, 15 यूनिट की वैल्यू 120 किलोग्राम, तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चे 8 किलोग्राम, कोई दिक्कत है। अगर मैं 8 से यहाँ गुना करूँ तो मिस्टर गुप्ता तो 56 किलो के थे और मिसेज गुप्ता कितनी की थी 64 केजी की थी। आगे क्या कह रहे हैं, डाइटिंग कोर्स हुआ, मिस्टर गुप्ता का तो 6 किलोग्राम कम हो गया, तो कितने किलोग्राम के हो गए 50। मिसेज गुप्ता का कितने किलोग्राम कम होगा कि रेशियो कितना हो गया बेटे 5:6। अब ध्यान से समझना, 5 की वैल्यू 50 है तो कितने गुना बेटे, अगर बच्चे 5 की वैल्यू 50 है तो कितने गुना, तो 6 को 10 से गुना करेंगे कितने गुना आना चाहिए 64 से 60, कितने किलोग्राम कम हुआ होगा, तो मिसेज गुप्ता का वजन 4 किलोग्राम कम हुआ होगा, यही आंसर। बात समझ में आ गई है, पूर्ण रूप से आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था, शाबाश, लिखो अच्छे से। लिख लिया, कर दूँ रफ चीज़ें बेटा, सारी प्रीवियस ईयर की मिलेगी, 17, 18, 19 के पेपर के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, पढ़ते जाओ। फिफ्टी फोर देखो बच्चे, इन ए क्लब द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज 5:6। इफ 22 लेडीज लीव द क्लब द रेशियो इंटरचेंजेज, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स। एक क्लब में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि 22 महिला क्लब छोड़ दे तो यह अनुपात उल्टा हो जाता है, तो क्लब में पुरुषों की संख्या क्या होगी। फिर से समझ लो, इन ए क्लब द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इज 5:6। इफ 22 लेडीज लीव द क्लब देन रेशियो इंटरचेंज, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, तो नंबर ऑफ मेल्स बताइए। देखो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है बेटे, मेल्स और फीमेल की रेशियो दे रखा है 5:6। फिर क्या कह रहा है, 22 महिला क्लब छोड़ दे, महिला कितनी छोड़ के चली गई बेटे 22, तो रेशियो कितना हो गया, इंटरचेंज का मतलब 6:5 हो गया। तरीका देखो, छोड़ के कौन गया बेटे, फीमेल गई है ना, मेल तो नहीं गए ना, तो मेल यहाँ 5 या 6, जब मेल गए नहीं तो मेल तो बराबर होंगे दोनों जगह, बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा करें, इसको 6 से गुणा कर दे, 6 गुणा 5 30, और इसको 5, अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 6 गुणा 5 30 और 6 गुणा 6 36,
इसको गुना करता हूँ मैं, 5 × 6 = 30 और 5 × 5, ये मेल था बेटा, ये फीमेल था, मेल दोनों जगह सेम, फीमेल पहले 36 थी, अब बेटा कितनी है 25, फीमेल पहले 36 अब 25, कितनी फीमेल छोड़ गए बेटे 11 यूनिट, क्वेश्चन में 11 की वैल्यू कितनी फीमेल दे रखी 22, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 2, तो मेल कितने थे 30 × 2 60 मेल थे, कितने थे 60 मेल थे, क्लियर है, लिखना चाहो लिख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, चीज़ें सारी समझ में आएंगी, बनती रहेगी, मज़ा आता रहेगा, पढ़ते रहोगे आप सब। आगे बढ़ते हैं, बेटे 55 देख क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्या द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:2:8:3, यही दे रखा है, कितना दे रखा है 3:2:8:3, ए 15 इज एडेड इन बोथ नंबर्स द रेशियो बिकम 5:3 and 5:2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, दो संख्याओं का अनुपात जो इसने दे रखा बेटे वो दे रखा है कितना 3/2 और 8/3 है, यदि इनमें से प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए 15 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 5/3 और 5/2 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, कौन सी संख्या ज्ञात करनी बेटे, बड़ी संख्या ज्ञात करें, देखो सिंपल सी बात है बेटे, दो संख्या दे रखी इसने जो कि दे रखी 3/2 और 8/3 के, और दूसरी कितनी है 8/3 के, पहले तो इनका रेशियो बनाना, आपको रेशियो बनेगा 2 और 3 का LCM 6, 6 से यहाँ गुणा करो, 6 से यहाँ करो, 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो बन जाएगा, देखो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 16, और दूसरी दे रखी है 5/3 और 5/2, 5/3 और 5/2, यहाँ भी एलसीएम 6 आएगा करेंगे, और यहाँ और 5 से 5 कैंसिल जाएगा 2:3, आगे क्या कह रहा है, इसके बाद क्या पूछा गया क्वेश्चन में, क्या निकालना है, बड़ी संख्या कौन सी होगी, अब देखो ऐड क्या किया गया इसके अंदर, हमने 15 किस में ऐड किया गया, दोनों के अंदर 15 ऐड किया गया, अगर इसमें भी हमने 15 ऐड किया, इसमें हमने 15 ऐड किया, अब देखो जब दोनों सेम सेम बढ़ते हैं तो हमेशा गैप बराबर होगा, यहाँ 1 का गैप और यहाँ कितने का गैप है बच्चे 7, गैप बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, इसको 7 × 2 और 7 × 3, इसकी सेवा समाप्त, 9 से 14 कितना बड़ा 5, और यही 5 यूनिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा था, तो 16 की वैल्यू 48, इस सवाल का उत्तर क्लियर है, 48 इस सवाल का उत्तर है, आगे देखते हैं 56 नंबर, ये सब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है बेटा, आराम आराम से चलते रहोगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, 56 इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप, 15 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप,
द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स बिकम 2:1 इफ आफ्टर 45 बॉयज लेफ्ट द ग्रुप द रेशियो बिकम 1:5 इनिशियली हाउ मेनी गर्ल्स वर इन द ग्रुप। लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत कितनी लड़कियों के ग्रुप छोड़ जाने के उपरांत 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं कितने लड़के चले जाते हैं 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी? अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स से मान लो शुरू में कौन छोड़ के गया था? 15 लड़कियां चली गई थी तो बेटे रेशियो कितना हुआ था? 2:1 था। चलो हम इसकी बात करते हैं 2:1 था। बाद में क्या हुआ? अगर लड़के भी थे 45 छोड़ के गए और लड़कियां 15 ही छोड़ के गई थी तो बेटे रेशियो कितना था? 1:5 था। तो बताना शुरू में गर्ल्स कितनी थी। क्या फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके गर्ल्स निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। चलो आज सोल्व करते हैं। अगर हम सोल्व करें इसको तो देखो बेटा 1:22 2g-30 यहाँ एक कर्सर मल्टीप्लाई करेंगे 5b-225 बराबर g-15। खाली b बनाए हम इसको 5 कॉमन ले बराबर g-15। इस b की जगह हम क्या पुट कर दें? 2 girls-30 5 से करेंगे 10g-75 को 5 से करेंगे 375 बराबर g-15। एक जी इधर ले आएंगे 10g में से एक जी क्या 375 जाएगा 360 तो जी बराबर कितनी? शुरू में कितनी लड़कियां थी बेटे? 40 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 40 लड़कियां थी। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भी कितनी लड़कियां थी? 40। फिर से बता देता हूँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स लड़के और लड़की का ग्रुप है। मैंने लड़के को बी माना था और लड़कियों को जी माना था बॉयज़ और गर्ल्स। 15 गर्ल्स लेफ्ट द ग्रुप लड़कियां ने 15 छोड़ा तो रेशियो 2:1 हो गया। इफ आफ्टर 45 बॉयज़ लेफ्ट द ग्रुप अगर 45 बॉयज़ लेफ्ट करते और गर्ल्स 15 के ला तो रेशियो 1:5। इक्वेशन बना के सोल्व कर देना यहाँ से गर्ल्स निकाल सकते हैं हम। कितनी आ जाएगी गर्ल्स? 40 आ जाएगी। कोई दिक्कत बच्चे? चलो इसके बाद की क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे। 56 क्वेश्चन मैं इस पर लिख देता हूँ वो आप बनाओगे आंसर कमेंट में करो बताऊँगा अगली क्लास में। पढ़ देता हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 15 गर्ल्स अच्छा 57 की बात करते हैं अब। इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक एंड अदर बुक इन 7:2 57 में देता हूँ आपको होमवर्क के लिए। इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ स्टोरी बुक्स एंड अदर बुक्स इज 7:2 एंड देर आर 1512 स्टोरी बुक ड्यू टू कलेक्शन ऑफ सम मोर स्टोरी बुक्स द सैड रेशियो बिकम 15:4 द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कलेक्टेड इज 2014 सीजल मेंस का क्वेश्चन है। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उनका अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया बेटा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है। इसके आगे हम अगली क्लास से देखेंगे। वीडियो को शेयर करते जाना बस आप लोगों को। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर। लव यू। और मैं एक बात और बता दूं, मैंने जो टॉपिक पढ़ाया आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा पढ़ा चुका हूं मैं, और इसके अलावा ट्रेन रेस बोट एंड स्ट्रीम।
ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आप पहले इन टॉपिकों को देखें, इसके बाद रेशियो के टॉपिक देखें, फिर परसेंटेज रिलेटेड टॉपिक आएंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से समझेंगे और पढ़ते रहेंगे जीरो से लेके हर लेवल तक के क्वेश्चन, और अपना ध्यान रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।